एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है सुबह का 8 और हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे बिकॉज मेरा नंबर सुबह का ही लगा हुआ था। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, वीकनेस हो गया था मुझे, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना था। तो बस ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला, बीपी ठीक है, हाँ हो जाता है, तो मैं दवा लिख दी है उन्होंने। तो ये देखिए, इतना सारा दवा देख के ही मेरा पता है किसको किसको दवा से एलर्जी है। मैं डॉक्टर के पास इसलिए जाने को कोशिश नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे दवा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। वो जो होता है ना वाइट कलर का जो आता है, एकदम बड़ा बड़ा सा जो गोली आता है, जो मुँह में जाने के बाद एकदम तुरंत एकदम मतलब अजीब करवा सा लगता है, बस वही सारा गोली था गाइज। एंड आप तो जानते हो कैल्शियम वगैरह का ये सब का गोली कैसा होता है। तो बस, और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, सोचा चलो सुबह उठ ही चुकी हूँ तो आके नहा के पूजा कर लेती हूँ। वैसे मैं रोज़ पूजा नहीं करती हूँ, जब मेरा मन कर देता है तो मैं पूजा कर ही लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर कर रही हूँ, थोड़ा सा बाल मेरा थोड़ा सा सूखा नहीं हुआ था तो थोड़ा गीला था, तो अभी बोले कि बाल को पोंछ लो वरना पता चला फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगा, बाल गीला है। तो बस वही कर रही हूँ, और बेड वेड मैंने ठीक कर दिया। अभी नाश्ता मैंने कुछ बनाया नहीं है क्योंकि पापा जी भी नहीं है, तो पापा जी चले गए गाँव पे, पापा जी रहते थे तो मैं सुबह सुबह नाश्ता बना लेती थी, बट अभी नाश्ता मैंने नहीं बनाया। सोचा चलो डॉक्टर के पास आके मैं पहले नहा के पूजा कर लेती हूँ। और बस मैं स्किन केयर में मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लोशन लगा रही हूँ, बस नॉर्मली जो मेरा रहता है, मैं घर में बस सनस्क्रीन लोशन ही सनस्क्रीन लगा के ही बस रहती हूँ, और हल्की सी लिपस्टिक लगाऊंगी बस। और आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में, आप लोग ब्लॉग में बने रहो। तो ये देखिए चावल आया है, और ये जो चावल है वो पटना से आया है क्योंकि ये चावल ना यहाँ पे मिलता ही नहीं है गया में। तो ये जब भी चावल आता है मेरे घर से पटना से ही आता है, तो एक ही बार मैंने क्या किया, दो बोरी ही मंगवा लिया, इसलिए क्योंकि एक बोरी ख़त्म हो जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, कब कौन जाएगा, कौन लेके आएगा, इस तरीके का। तो इसे दो बोरी मैंने मंगवा लिया। एंड ड्राम को मैंने यहाँ पे, इसको हम लोग ड्राम बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताना ज़रूर। और बस मैं सोची ना कि इसमें क्या करूँ, कैसे रखूँ, एक में दोनों बोरी अगर खोल दूँगी तो फिर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि होता है ना कि इतना सारा चावल ना एक ही में रखने से ना फिर ना पिल्लू लग जाता है। तो इसलिए मैंने अभी को बोला ना कि नहीं आप इसमें एक काम करो, रख दो एक बोरी से ही थी रख दो, उसके बाद दूसरा जो छोटा वाला ड्राम है ना उसमें मैं थोड़ा सा चावल को खोल के जितना अड़ता है उतना मैं रख दूँगी। तो बस वही इसमें डाल रहे हैं, और इतना भारी इसलिए मैं उठाती नहीं हूँ क्योंकि अब मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरे जब बाबू ही है वो ऑपरेशन हुई है, तो मैं ऑपरेशन के बाद ज़्यादा भारी चीज़ नहीं उठाने की कोशिश करती हूँ, और ये चावल बहुत ज़्यादा भारी था इसलिए मैंने उठाई। तो बस, और इसी को हटा रहे हैं उसी में। और ये देखिए, इसमें वो चावल था, इसमें ना इंडिया गेट जो चावल रहता है ना इस बोरी में वो था, तो यही हम लोग कब से खा रहे थे, वो चावल यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था। और मुझे कोई चावल पसंद ही नहीं है ये चावल के अलावा, क्योंकि मैं शुरू से वही चावल खाई हूँ जो मेरा घर से आता है। तो बस उसके चक्कर में मैं हम लोग यहाँ से बहुत सारा चावल मतलब डिफरेंट टाइप का चावल खरीद खरीद के खा लिए, बट कोई मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे यही अच्छा लगता है। तो बस वो अभी उसमें काट के बोले कि लाओ मैं आधा रख देता हूँ, उसके बाद तुम रखना, क्योंकि वही नहीं बोले उठाने दिए कि नहीं मैं इसमें आधा डाल लेता हूँ, उसके बाद तुमको जो करना है तुम करना। तो बस वही कर रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबू कहाँ है, तो बाबू अपना वीडियो देख रही है, अगर वो यहाँ पर रहेगी तो बाप रहे उसके बाद तो होने ही नहीं पाएगा, वो बैठी हुई है रूम में इसीलिए अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा है। चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में।
सो गाइज, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताई थी ना कि मेरा एक्वेरियम आने वाला है, तो मेरा एक्वेरियम फाइनली आ गया है और इतना सुंदर एक्वेरियम आया है ना, और एक मुझे मालूम नहीं था कि अभी इतना बड़ा दिए हैं बनवाने के लिए। जब आया ना तब, मतलब उस टाइम मुझे, मतलब मैं ही गई थी उनके साथ ऑर्डर देने के लिए, बट मुझे इतना नहीं मालूम था कि इतना बड़ा है। ये सोचो तो 5 फीट में थोड़ा सा कम होगा, इतना ये बड़ा एक्वेरियम है। जो रेस्टोरेंट वगैरह में रखा हुआ रहता है ना, वो वैसा एक्वेरियम है ये। और अभी उसको सजाते वक्त कितना खूबसूरत लगता है ना, भाई गंदा हो जाए तो कितना ज़्यादा मेहनत लगता है गाइज। देखने में तो बड़ा सुंदर लगेगा आपको, बहुत सुंदर लगेगा, जैसे कि मतलब लगेगा, सबको लगेगा कि मैं रख लेता हूँ। बट गाइज, जब इसका बारी आता है धोने का, तो मतलब पसीना छूट जाता है, सच्ची बताती हूँ, पसीना छूट जाता है। और ये तो एक्वेरियम इस बार तो ऐसा आया कि ये मुझसे ना उठेगा ना मुझसे धुलाएगा, ये जहाँ पर है वहीं पर धुलना पड़ेगा। और जब ये आया ना, तो मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रही हूँ कि कैसे धुलाएगा ये, गंदा होगा तो कैसे धुलाएगा, गंदा होगा तो। अभी बोला अरे तुम मत फिक्र करो, मैं धो दूंगा, तुम रेस्टोरेंट में रहता तो कैसे धुलाता है, मतलब रेस्टोरेंट में रहता तो पता नहीं कैसे धुलाता है। एंड यहाँ देखिए मेरा फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है एक्वेरियम, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। और सबसे गंदा पता है कौन करता है, मेरा कछुआ राम जी करते हैं, मेरा कछुआ बहुत गंदा करता है ये एक्वेरियम, और बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ये देख रहे हो कितना उछल रहा है पानी में, बहुत ज़्यादा उछल रहा है। मछली नहीं था, मछली भी हम लोग लेके आए हैं, अभी कुछ ही मछली लेके आए हैं, क्योंकि जो मछली हम लोग को चाहिए था वैसे मछली नहीं था उनकी दुकान पे, कुछ कुछ था तो लेके आ गए हैं। एंड कछुआ बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मुझे उन लोग को देख के ना उछल उछल के, जो उन लोग खेल रहा था ना, मुझे उन लोग को देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। चलो ताला बंद कर लिया, मेरा मोबाइल, ये देखिए मेरा मोबाइल, एंड यहाँ देखिए मेरा एक्वेरियम। सो ये रहा मेरा ताला चाबी, चलिए फटाफट जल्दी बंद कर लेते हैं। रात हो गई है, रात नहीं शाम हो गई है, चलिए पहले ताला लगा लो। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आए हैं कोल्ड कॉफी पीने, और यहाँ पे बाबू को देखिए नहीं चॉकलेट, तो गाइस यहाँ देखिए बैलून जो लगाया हुआ है ना, बाबू को बैलून चाहिए, जहाँ भी दिखती है बैलून, यहाँ तक आप बाइक पे भी जा रहे हो बैलून वाला जा रहा है, तो रोने लगती है, उछलने लगती है, तो बस बैलून बोला है, हम लोग बोले भैया को दे दे देखिए एक बैलून। और इस ब्लॉग को भी मैं यही पिन करती हूँ, आई होप आप लोगों को ये मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। एंड यहाँ तक तो आप लोग ब्लॉग देखे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस, एंड अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। एंड यहाँ पर मेरा कॉफ़ी आ गया है, चलिए मैं पीती हूँ एंड इस ब्लॉग को मैं यही पिन करती हूँ, तब तक ले बाय।